अस्सलाम वालेकुम, मैं सल्फजाद फ्रॉम आरविजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू थिंक वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ, ये है डोल्चे गबाना लाइट ब्लू ओविंगटन्स प्रोम। ठीक है, 100 ml का बॉक्स है और वेलवेटी फिनिश के साथ है। अच्छा बॉक्स है। लिटरली अगर आपने पाको रबान का प्योर एक्सेस देखा होगा, उसका भी तकरीबन ऐसे वेलवेट बॉक्स है, और जॉन पॉल का स्कैंडल का भी तकरीबन यही है, लेकिन मैरून कलर में। और ये कुछ इसकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, जो कि बहुत मुश्किल से पढ़ी जाती हैं, क्योंकि अभी शायद कैमरे में साफ दिख रही हैं, लेकिन जब इसके नेकेड आई से ऐसे देखें तो सही से पढ़ी नहीं जाएंगी। इनफैक्ट इनका बैच कोड जो कि यहाँ लिखा होता है, सॉरी लेट मी शो यू, ये यहाँ पे इनका बैच कोड लिखा हुआ है, और ये ना होने के बराबर है। वो मैंने जब बॉटल देखी है उसके बाद जाके मुझे समझ आया कि इनका बैच कोड क्या है। ठीक है, और ये 2017 में लॉन्च हुआ था, और अल्बर्टो मोरालिस ने इसे डिज़ाइन किया, और ये इसकी बॉटल है। ठीक है, 100 ml की, इसमें 50 ml भी आता है शायद, और ये 100 ml है। और मेरा कमर्शियल है, जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल और टेस्टर में ये फ़र्क होता है, इसे कमर्शियल बॉक्स कहते हैं, और जो टेस्टर होता है वो वाइट बॉक्स में होता है। इसे मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके थोड़े से टाइम गुजारा है इसके साथ, और चले आपको बताता हूँ कि इसकी स्मेल कैसी है। एटोमाइज़र भी अच्छा डिसेंट एटोमाइज़र है, मैग्नेटिक कैप नहीं है, लेकिन इससे आप पुल करने की कोशिश भी मत करना। ये बॉटल है, और ये मेरा बैच कोड लिखा हुआ है, जो कि 2020 का है। 2017 में ये लॉन्च हुआ है, तो मेरा 2020 का बैच है। ठीक है, और ये आ गई हमारी परफ्यूम। अब इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूं, ये ऑलमोस्ट आपको, अगर आपने बल्गरी का एक्वा पुरोम ट्राई किया है, वो सी शेल्स जैसी बॉटल्स बनी होती, या एक्वा अटलांटिक अगर आपने स्मेल करा, ये तकरीबन उसी डायरेक्शन में जाता है, या कुछ हद तक आप कह सकते हैं एक्वारी जियो, या क्या कहने प्रोफुंडो, सॉरी एक्वारी जियो प्रोफुंडो अगर आपने वो ट्राई किया, वर्साची हो गया, वर्साची का मैन, ये तकरीबन ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, क्योंकि अल्बर्टो मोरालेस तकरीबन ऐसे परफ्यूम्स जो फ्रेशी बनाता है उसके कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाते हैं, कि ये थोड़े से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ, इसके अंदर ग्रेप फ्रूट, मैंडेरिन ऑरेंज, सी वाटर नोट, जूनिपर, मस्क, एम्बर वुड, लेकिन हम करेंगे ऑनेस्ट रिव्यू और बताएंगे कि स्मेल इसकी कैसे आती है। काफ़ी लोग इसे रॉटन एग से भी कंपेयर करते हैं, कि जी इसकी जो स्मेल है ना वो सड़े हुए अंडे जैसी इसकी स्मेल आती है ओपनिंग में, क्योंकि वो सी नोट थोड़ा सा ऐसा वाइब देता है। आपको पता है समुंदर, अगर आप गए हैं कराची वगैरह, तो मरीन की एक अपनी स्मेल होती है, समुंदर की जो ज़िंदगी होती है, उसकी जो मरीन लाइफ होती है, उसकी एक अपनी स्मेल होती है, जो जिसमें फ़िश भी इंक्लूड होती हैं, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यहाँ तक कि सी वीड, इन सब की एक यूनिक स्मेल होती है, जो कि हर किसी को पसंद नहीं आती, एक रोटन है कि वो स्मेल समझता है उसकी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, मुझे ये फ्रेश ही लगा, सिट्रस और वो ग्रेप फ्रूट की यमी किस्म की ओपनिंग के साथ, लेकिन साथ थोड़ा सा सिंथेटिक फील भी आती है। इसकी प्राइस के हिसाब से अब ये जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि अब भी बहुत एक्सपेंसिव इसकी, मतलब अराउंड 15-16 के ऊपर ही जा रहा है, रफली मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं, क्योंकि जब मैंने लिया था तब ये 12-13 हज़ार का था, लेकिन अब ये 15-16 के ऊपर ही जा रहा है। और सी नोट वेरी लिटरली आपको फील, एक ओशन वेव का आपको वो, हाँ अगर आपने रेहान का ओशन वेव भी ट्राई करा है, उससे भी ये वाली वाइब आती है, लेकिन वो रॉटन एग में नहीं जाता, वो थोड़ा सा स्वीट की तरफ चला जाता है, ये थोड़ा सा सॉल्टी सी वाइब की तरफ जाता है। ठीक है, जब आपके साथ थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड हो जाए ना, तो आपको रॉटन एग स्मेल टोन डाउन हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सी नोट के साथ सॉल्टीनेस आ रही है, वाटरी नोट के साथ सॉल्टीनेस आ रही है, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपको फील करवाएगी, जैसे इसमें रॉटन एग डला हुआ है। और ड्राई डाउन में जाके थोड़ा सा एम्बरी वुडी मस्की फील आता है, लेकिन ओपनिंग में आपको ये लिटरली वैसा फील करवा सकती है, कुछ लोगों को, सबको नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्रेशी भी लगा है, थोड़ा सा सोपी भी लगा है, जैसे आउट ऑफ द शावर वाली वाइब आती है, कुछ शावर जल्स इस तरह की स्मेल करते हैं फ्रेश वाले, उनकी वाइब आती है, लेकिन हाँ एंड ऑफ द थ्रोट ये एक
वो रॉटन एग, वो सी, मैंने आपको बताया ना सी मरीन लाइफ की, वो थोड़ी सी वाइब आती है, लेकिन वो बैक ऑफ द नेक आती है मुझे, हल्की फुल्की, इतनी स्ट्रांग नहीं आती। लेकिन मैंने जिसको भी ये कुछ लोगों को टेस्ट करवाया था, और वो कहते हैं कि आज़ाद भाई इसमें ना ऐसी स्मेल आ रही है जैसे वाकई में इसमें ना रॉटन एग है। तो ये ज़रा आप लेने से पहले ना एक दफ़ा डू टेस्ट इट आउट, क्योंकि उसके अलावा अगर आपने ले लिया और आपने कहा आज़ाद भाई इसमें तो आपने कहा तो सी नोट और इस तरह सा, तो वो चेक कर लें कि आपकी नोज़ रॉटन नेक वाली साइड पे जा रही है या आपकी नोज़ मेरी तरह इसको फ्रेश ही समझ रहा है। ठीक हो गया। उसके अलावा लास्टिंग में मुझे ये काफ़ी इसने हैरान कह रहा हूँ, हैरान किया है या काफ़ी शॉक किया है कि लिटरली इसकी लास्टिंग मुझे जो स्किन पे मिली, हालांकि स्किन पे मेरे परफ्यूम लास्ट नहीं करते, अराउंड 5 5½ आवर्स इसने मुझे स्किन पे दिया है, और फर्स्ट 1 1½ आवर्स की प्रोजेक्शन मिली है, और 2.5 से 3 घंटे तक मुझे इसकी विफ्स आती रही हैं स्किन पे, जो कि अनबिलीवेबल है। और क्लोदिंग पे तो ये और अच्छा परफॉर्म करता है। शायद मेरा 3 साल 4 साल पुराना बैच है, इसलिए मैं मेच्योर हो गया, मैसरेटेड हो गया, लेकिन इसने मुझे ऐसी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कंप्लेन करते हुए कि ये स्मेल इसकी एक तो रॉटन है, ऊपर से ये लास्ट भी नहीं करता, तो ये चीज़ मैं बड़ा शौक हुआ। और हाँ, अगर आपको ये 14 to 15 के अंदर मिल जाता है तो एक समर के लिए आपके पास एक गुड ऑप्शन हो सकती है, लेकिन अगर आपको वो स्मेल फ्रेश लग रही है, नॉट रॉटन नेक, तो लेने से पहले इसका डिकिन चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ओ माई सेंस वालों का, या जिनके पास भी इसका डिकेंड हुआ उधर से आप चेकआउट करके 5 10 ml मंगवा के पहले चेक कर लें। और अगर आप पे ये सूट कर रहा है और आप पे ये लास्टिंग दे रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेन है कि ये लास्टिंग भी नहीं देता, तो मेरा 2020 का बैच है और लास्टिंग दे रहा है, तो अगर इन केस आपका इस पे हाथ आता है कहीं 2020 के बैच पे, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करें, और उसके बाद फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको भी ये लास्टिंग दे रहा है, और क्या आपको भी रॉटन नेक, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस को ये रॉटन नेक लग रहा है और किस किस को ये फ्रेश ही लग रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा रॉटन नेक लगा है, उतना स्ट्रांग डोमिनेंट नहीं लगा जितना लोगों को लग रहा है, लेकिन ज़्यादा मुझे ये फ्रेश ही लगा है, आउट ऑफ द शावर वाली वाइब वाला, तो उस तरह का फ्रेश मुझे ज़्यादा लगा है। ठीक है, ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। वुड आई रिकमेंड दिस वन? या इफ इट इज़ अराउंड अंडर 13 to 14 K और 15 K बजट, देन डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दिस वन। अगर इससे ऊपर जाता है तो मैं कहूँगा पहले समझ लो, लगा लो, ट्राई कर लो, उसके बाद लेना। ठीक है, यूनिसेक्स है? यस, इट इज़ यूनिसेक्स, लेडीज जेंट्स दोनों पुल आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, और ब्लास्टिंग के हिसाब से अगर ये मुझे इस तरह दे रहा है 5+ आवर ऑन माई स्किन एंड क्लोदिंग पे, तो 6 7+ आवर्स दे रहा है, तो डेफिनेटली गर्मियों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन फिर वही बात आती है, वो सारा मसला कि कुछ लोगों को, मेजोरिटी के लोगों को ये रॉटन नेक की स्मेल देता है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चन, फिर भी कुछ रह गया हो ज़रूर मुझसे पूछें। आप इसे इंटायर ईयर पुल आउट कर सकते हैं, गर्मियों में भी आप लगा सकते हैं, सर्दियों में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका एक DNA ऐसा है, लेकिन ये कि गर्मियों में ज़्यादा मज़ा करवाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।